पुटकी। झारखंड सरकार ग्रामीण कार्य विभाग कार्य प्रमंडल धनबाद जिला अंतर्गत पुटकी से सीजुआ तक पथ चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण, लंबाई 3 किलोमीटर, मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सियालगुदरी चौक से छाईगद्दा पावर हाउस न्यू ड्रिप होते हुए पीसीसी एवं पीच रोड का शिलान्यास धनबाद विधायक राज सिन्हा के द्वारा नारियल फोड़कर किया गया, जिसकी लागत 1,30,00,000 से निर्माण की जाएगी। विधायक ने बताया कि सड़क का हालत बहुत खराब हो गया था, इसकी अनुशंसा की थी। मुख्यमंत्री ने पहले ही ऑनलाइन शिलान्यास किया है, आज हम लोग ने धरातल पर आकर इसका शिलान्यास किया। सड़क निर्माण हो जाने से आसपास के कई गांव के लोगों को लाभ मिलेगा। वहीं विवाह भवन के मामले में उन्होंने सात पल्ला झाड़ते हुए कहा कि मामला डीडीसी के पास है, हमारी जिम्मेवारी योजना अपने क्षेत्र में लाने की है। मौके पर जिला परिषद प्रतिनिधि भानु प्रताप, सियालगुदरी मुखिया प्रतिनिधि विकास सिंह चौधरी, मुकेश पासवान, छोटू दास, विकास मिश्रा, सदानंद वर्णवाल, दीपक सिंह चौधरी, संतोष पासवान, केदार वर्णवाल, राहुल सिंह, अर्जुन महतो, मनीष सिंह, संतोष पासवान, अमित कुमार, राहुल इत्यादि गणमान्य लोग उपस्थित थे। ये सिजुआ तक का जो पथ है जो काफ़ी जर्जर हो गया है, उस पथ का सुदृढ़ीकरण का कार्य का आज शिलान्यास हुआ है। बहुत पहले हमने इस कार्य की अनुशंसा किया था और राज्य संतोषित से ये योजना स्वीकृत हो गई है। ऑनलाइन मुख्यमंत्री जी ने किया था, लेकिन आज धरातल पर हम लोगों ने इस कार्य का शुरुआत आज हुआ और आज इसका शिलान्यास हुआ है। काफ़ी महत्वपूर्ण और काफ़ी लंबी यह सड़क है, लगभग 3 किलोमीटर की दूरी इसकी होगी और इस पथ के बन जाने से काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी लोगों को राहत है। आपके कार्यकाल में बहुत विकास का कार्य हुआ है, इधर एक सियालगुदरी में विवाह भवन का मामला फंसा हुआ है। देखिए, विवाह भवन का मामला हमने अनुशंसा कर दिया है, पास भी करा दिया है, DMFC से पास भी हो गया है, एक बार काम शुरू होने भी गया था। कुछ नौयुवकों ने वहाँ पे कुछ वो बोले कि नहीं काम करने देंगे यहाँ पे, तो फिर दूसरा जगह पास हो गया। काम तो कहीं ना कहीं होगा ही होगा, दूसरा जगह पास हो गया। अब उस गांव के सभी प्रमुख लोगों ने आकर के स्वीकार किया कि गलती हो गई। केंदुआ बीसीसीएल के कुसुंडा एरिया के गोंदुड़ी खास कुसुंडा कोलियरी के वृंदावन इको पार्क में शनिवार को कोलियरी प्रबंधन एवं श्रमिकों के संयुक्त तत्वाधान में श्रमिक सम्मान कार्यक्रम आयोजित कर कोलियरी में कार्य करने वाले 15 कर्मियों को सम्मानित किया गया। बेस्ट श्रमिक चुने गए श्रमिकों में रामायण प्रसाद, के यादव, बीएन झा, दयामय बावरी, महावीर महतो, जगदीश बड़ई, राम प्रसाद पासवान, रतन बावरी, मोहम्मद कासिम, टुनटुन महतो, शिव कुमार निषाद, मनोज मुंडा, लखपति मंडल, पवन कुमार, ठेका मजदूर सोनू कुमार को GM BK गोयल सहित अन्य अधिकारियों ने पुरस्कार स्वरूप हेलमेट देकर सम्मानित किया। इस दौरान GM BK गोयल ने कहा कि ये अच्छा पहल है श्रमिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए। इस तरह के कार्यक्रम के आयोजन से अन्य कर्मियों में बेहतर कार्य करने की मनोवृत्ति बढ़ेगी, जिससे कंपनी में बेहतर एवं गुणवत्तापूर्ण कोयले का उत्पादन बढ़ेगा, जिसका लाभ सभी को मिलेगा। कोलेरी से बेस्ट श्रमिकों का चुनाव करने के लिए 5 सदस्यीय टीम धनबाद की श्रमिक द्वारा वीरेंद्र कुमार सिंह के नेतृत्व में। इससे पूर्व कार्यक्रम में उपस्थित कुसुंडा एरिया GM BK गोयल, AGM SK सिंह, APM DR KS सिन्हा, एरिया प्रशासनिक अधिकारी उमंग ठक्कर, लोगों के एरिया सेफ्टी ऑफिसर RK गुप्ता, एरिया प्लानिंग ऑफिसर NB त्रिवेदी, एरिया सेल्स ऑफिसर मनमोहन कुमार, एरिया लीगल राहुल मंडल, साथ ही सभी विभाग के HOD के अलावा GKKC, PO, TP